ऑन द अदर हैंड बहुत से कम्युनिकेटर्स हैं, हम अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो हमारे सामने, जहां से आप लोगों के माइंड तक पहुंचे और उनसे अपनी बात भी बनवा लें। हर शख्स कम्युनिकेशन कर रहा है किसी ना किसी लेवल पे, लेकिन रिजल्ट्स मुख्तलिफ हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? कम्युनिकेशन जो है किसे बोलेंगे जी? जी कहां से स्टार्ट करें? जी आप क्या कहते हैं जी कम्युनिकेशन? अच्छा जी, अफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे बोलेंगे? मैडम आप अफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे बोल सकते हैं? हम जिसका असर हो। नहीं, अभी आपसे पूछता हूँ मैं, अफेक्टिव कम्युनिकेशन आप क्या बोलेंगे जी? सेहतमंदाना गुफ्तगू। जी आप क्या कहेंगे जी? ठीक है जी, आपके नज़दीक अफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? आज का टॉपिक क्या है जी? मैडम क्या टॉपिक है आज का? एडवांस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो आप समझ गए हैं कि कम्युनिकेशन आप यूं समझ लें कि जो इन्फॉर्मेशन एक सेंडर देना चाहता है अगर उसे पहुंच जाए। देखें, जब भी कोई बात करने वाला होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीपियंट, एक बात को आगे कम्युनिकेट करने वाला और दूसरा उसको रिसीव करने वाला। भीख मांगने वाला भी आपके साथ ऐसी कम्युनिकेशन करता है और ऐसा फोकस के साथ करता है कि आप कुछ ना कुछ देने पर मजबूर हो जाते हैं। सेल क्लोज करके दिखाता है वो आपको। क्या वजह है कि कुछ लोगों की छोटी सी ना की वजह से सब नाराज़ हो जाते हैं और बाज़ औक़ात एक हाँ सबको राज़ी भी कर देती है। क्या वजह है कि कहीं पर आप बैठे होते हैं, एक शख्स आपके सामने आकर बैठता है तो आप नागवारी का इज़हार करते हैं? और क्या वजह है कि एक शख्स 20 लोगों के अंदर आके बैठता है और वो सबकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कर लेता है? वन ऑफ द मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज़ कम्युनिकेशन स्किल, कि इसके पास कम्युनिकेशन है, ये जानता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे रिजल्ट लेना है। अच्छा, ये तो हुई आम कम्युनिकेशन, इस पर तो आप लोग स्कूलों कॉलेजों वगैरह में भी सीखते होंगे। आज मैं आपको कि कम्युनिकेशन एथिक्स नहीं मैंने आपको बताने के लिए, आपको कम्युनिकेशन की थेरीज नहीं आपको बताने के लिए कि कम्युनिकेशन ऐसे होती है, ऐसे अच्छी अच्छी बातें कर लेना, वो तो आपको अच्छी सी बुक भी खरीद लेंगे, वो भी आपको बताएगी कि दूसरों से बात कैसे करते हैं, दूसरों के साथ बैठते कैसे हैं और ये सोसाइटी में उठने बैठने के क्या मैनर्स हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है एडवांस कम्युनिकेशन थ्रू NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप समझ लें कि NLP बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि ये एक लैंग्वेज है माइंड की। जैसे आप लोग कंप्यूटर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और प्रोग्रामिंग वाले लोग ख़ास तौर पर समझते होंगे कि एक ख़ास प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग होती है, प्रोग्राम बनाया जाता है, उस कोडिंग के थ्रू वो प्रोग्राम ऑपरेट होता है। ठीक है, जिस तरह एक कंप्यूटर प्रोग्राम की अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है, इसी तरह ह्यूमन माइंड है, इसकी भी बकायदा प्रोग्रामिंग होती है। और जब प्रोग्रामिंग होती है और ख़ास मकासद को सामने रख के जब आप उसका प्रोग्राम करते हैं तो रिजल्ट्स भी उसी तरह मिलते हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखनी है आपने, ठीक है? तो आज के सेशन में हम बेसिकली बात करेंगे उस प्रोग्रामिंग की जो एक इंसानी माइंड में की जाती है, किस हवाले से? कम्युनिकेशन के हवाले से। ये एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इसलिए मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे कुछ एडवांस स्किल्स हैं जो बेस करती हैं आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राइट? जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने आपको एक बात कही थी कि आप जब भी किसी से मिलते हैं, चाहे कस्टमर हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, उससे आपने अपनी नीड पूरी करनी है या अपनी बात मनवानी है या सेल क्लोज करनी है तो आपको उसके माइंड तक एक्सेस हासिल करना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि प्रेशर टेक्निक कोई सीख लें, आपकी बड़ी उम्र का लिहाज करते हुए कोई आपकी बात मान ले, तो ये बात मानना नहीं होती। ये वो कम्युनिकेशन नहीं है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आप किसी से कोई बात मनवाना चाह रहे हैं तो आप ये जानें कि वो उसका जो माइंड है वो उसको बात को किस तरीके से ले रहा है। जब आप ये जान लें और आपको ये
बिलीव हो जाए कि जो आप उस तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं वो इफेक्टिवली बात आपकी वो मानेगा, फिर तो ये आप कहलाएंगे अच्छे कम्युनिकेटर। ऑन द अदर हैंड बहुत से कम्युनिकेटर्स हैं, हम अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो हमारे सामने है। तो आज की जो ये ट्रेनिंग सेशन है हमारा, ये बेसिक इस चीज़ पे है कि कौन से ऐसे इफेक्टिव वेज हैं जहाँ से आप लोगों के माइंड तक पहुँचे और उनसे अपनी बात भी मनवा लें। आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपके अल्फाज उसमें ताकत होती है, इसमें पावर होती है? कितने लोग कहते हैं कि जी अल्फाज में कोई पावर नहीं होती? जितने लोग कहते हैं कि पावर नहीं होती वो हाथ खड़ा कर लें, और जितने लोग ये कहते हैं अल्फाज में बड़ी ताकत होती है। अच्छा, अगर सिर्फ अल्फाज में ही ताकत होती है तो हमारे माँ बाप ने तो बड़ा ज़ोर लगाया, बड़े ताकतवर अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़े बड़े लोग आए और पैगंबर भी आए, किताबें भी आईं, उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव वर्ड्स थे, उन्होंने हमें चेंज नहीं किया, इसकी क्या रीज़न हो? यानी कि अल्फाज जो हैं वो अपना असर रखते हैं, कुछ अल्फाज अपना असर कम रखते हैं, कुछ ज़्यादा रखते हैं, लेकिन जो तब्दीली का अमल है वो आपके अंदर से आता है, क्योंकि आपके अंदर से उठती है। एक ही वक्त में एक बुक चार लोग पढ़ रहे हैं, दो को कोई असर नहीं हो रहा और दो बड़े मुतासिर हो रहे हैं, उनकी लाइफ बदल रही है, तो क्या चेंज है यहाँ पर कि उसको आप परसीव कैसे कर रहे हैं, ले कैसे रहे हैं? दो शख्स नहीं ले रहे, दो नहीं ले रहे, अब ये दो कौन से हैं और ये दो कौन से हैं? आज के सेशन में आपको ये भी पता चलेगा कि कब हम जब बात करते हैं कुछ लोगों को समझ आ जाती है और कुछ को समझ नहीं आती, और हम ये ढंढोरा पीटते हैं कि मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ, मेरी टीम को बात समझ में नहीं आती। सरमा साहब, ये कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी है आपके पास? तो बिल्कुल है जी, आज उसे शेयर करेंगे आपके साथ। क्यों उनको बात समझ में नहीं आती? असल में उनको आपकी बात इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि आपने अभी वो स्किल नहीं ली जिसे लोगों को समझा जाता है, अभी आपके पास वो फिल्टर्स नहीं है। फिल्टर किसे बोलते हैं? फिल्टर बोलते हैं छलनी को, जिसके अंदर से कोई लिक्विड गुजारा जाए, कोई चीज़ गुजारी जाए तो क्या होती है, प्यूरीफाई हो जाती है, साफ़ हो जाती है। इसी तरह माइंड साइंसेज ये कहती है ह्यूमन माइंड के भी फिल्टर्स हैं। आप जब फिल्टराइजेशन सीख लेते हैं, इसे बोलते हैं मेटा प्रोग्रामिंग, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है ना, इसी तरह आज जिस सेशन पे हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मेटा प्रोग्राम फिल्टर्स। जब आपको ये जानकारी हो जाएगी कि मेटा प्रोग्रामिंग इंसान की कैसे होती है, फिर आप उनसे अपनी बात भी मनवा सकेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि हम जिससे बात करें वो हमारी बात को कम से कम गौर से सुने और जो हम उससे रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट भी ले लें? कितने लोग चाहते हैं? मैडम तो नहीं चाहती होंगी, आप नहीं चाहते? आप चाहते हैं सर? आप भी चाहते हैं? सारे चाहते हैं? आवाज़ भी आए ना, सब सब चाहते हैं भी, कम से कम आप लाउडली यस बोलते हैं, सर हिलाते हैं, आई कॉन्टैक्ट में सर रखते हैं, तो मुझे भी समझ में आ रही होती है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग फिजिकली मौजूद होते हैं लेकिन स्पिरिचुअली नहीं होते, वो कहीं और गए होते हैं, उनका ध्यान कहीं और जा रहा होता। आप छोटा सा सेशन है ये, आपने ध्यान मेरी तरफ रखना है ताकि वैल्यूएबल सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ब्रेक से पहले दे दूँ, और ब्रेक के बाद जो ही आप आएँ तो फिर हम इसको फुली एक्सप्लोर करें और इसको प्रैक्टिकल करके देखें कि ये वाकई ऐसे काम होता भी है, राइट? उसके शूज में पांव कैसे डालेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये शू आपको पूरा आएगा या नहीं आएगा? उसके शू में पांव डालेंगे, आप चलते हुए आपको पेन तो नहीं होगी, सारी चीजें देखें। लेकिन एक बात है कि आपके लिए एक वार्निंग भी है, ये जो चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ इन्फ्लुएंस कराती है, यानी कि एक खुफिया जुबान है ये, जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप ये 100% काम करेगी। कितने परसेंट काम करेगी? 100% काम करेगी, लेकिन आप इसका नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं। अब पॉजिटिव यूज़ करना है या नेगेटिव यूज़ करना है, ये वार्निंग है। किस किस ने गन चलाई हुई है या गन
हाँ तो आप भी अच्छा नो मर्सी ग्रेट हो गया. अच्छा ये बताएं कि ये जो गन है इज इट गुड टू हैव और नॉट, इज इट बैड टू हैव गन और गुड टू हैव गन? गुड. हाउ? अपनी सेफ्टी के लिए. अपनी सेफ्टी के लिए गुड. और अगर दोस्त दूसरों को दिखाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, सोसाइटी का डेकोरम खराब करने के लिए, फिर बैड है. इट मीन्स कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका यूजेज होता है. तो ये जो मैं आपको आज मैं टेक्निक्स देने जा रहा हूँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं और सोसाइटी के लिए नहायत नुकसानदेह भी हो सकती हैं अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे. क्योंकि इससे आपको ऐसे फिल्टर्स पता चल जाएंगे जहाँ से आप बंदे को स्कैन कर लेंगे एक मिनट से पहले.